हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लावण्या बेटी। तो आज हम सीखेंगे सिक्स कली वाले पेटी कोट बना। तो पेटी कोट में दो ही नाप रहता है, एक लंबाई का और एक कमर का। तो हमारी लंबाई यहाँ 37 इंच तैयार है और कमर है 42 इंच का। बस इसमें इतने ही नाप रहते हैं। अब इसी के हिसाब से हम इसको कट करेंगे। तो इसकी लंबाई भी फुल साइज की पेटीकोट बना रहे हैं और कमर भी चौड़ा है। तो इसके लिए आपको 2.25 मीटर पेटीकोट लेना है, कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे मैं, अगर अरज है तो 2.25 मीटर में बन जाएगा और नहीं है तो आपको 2.5 मीटर लेना पड़ता। तो ये मेरा कपड़ा 2.5 मीटर का है। अब इसको हम 4 फोल्ड में पूरे बिछा लिए हैं। 4 फोल्ड में पहले लंबाई का नाप लगाएंगे। तो इधर 1 इंच छोड़ के हम निशान लगाएंगे इधर। तो उसको पहले हम, तो ये कपड़े को पहले बराबर कर लिए हैं। अब लंबाई का नाप लगा लेते हैं। तो इसकी 37 इंच की फुल लंबाई है। तो पहले इसमें लंबाई में निशान लगाते हैं। तो अपने पास कपड़ा बहुत है तो इसको मैं 37 इंच का ही लगाया काट दूंगी, इसको जो कली है उसको। तो इसमें 2 इंच अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, 1 इंच इधर की मार्जिन, और जो हम बेल्ट पट्टी लगाएंगे वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अगर कपड़ा छोटा रहता है तो आप इसको कम भी काट सकते हैं। तो ये 2 इंच मुड़ने का हो जाएगा अंदर की तरफ। और उसके बाद ये लंबाई है 35 इंच का। आप उसमें हम 2 इंच का कमर पट्टी ऐड करेंगे तो फिर बराबर हो जाएगा। तो इसको हम 35 इंच में 35 इंच में इसको काट लेंगे। तो ये कपड़ा जो है उसको हम निकाल देंगे। कली है और 6 इंच ही चौड़ाई रहेगी। इधर भी डबल में भी ये 12 का हो जाएगा। अब इसका ये मेथड रहता है, अगर इधर हम 6 इंच का निशान लगाए हैं और दूसरे साइड से इधर हम 6 इंच का लगाएंगे। तो इधर 6 इंच में निशान लगा लिए हैं, अब इस साइड हम 6 इंच में निशान लगाएंगे और उसके बाद इसको मिला। तो एक तरीका ये भी है कि इसको आप ऐसे क्रॉस करके निशान लगा सकते हैं और सीधा इसके सुबले। तो ये अब इसको हम कट कर लेंगे। मैं सीधा मिला के इसको निशान लगा लूँगी। अब इसको हम काट, ये हम कटिंग कर लिए हैं कली को। अब इसको हम एक जो हमारा ये चौड़ा पट्टी बन जाएंगे और एक सुंदर सुंदर ये 4 फोल्ड में इसको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। बाद हम कमर की पट्टी का कटिंग कर लेंगे। तो हमारे जो पास जो कपड़ा है ये 2 फोल्ड का है, 4 इंच डबल राउंड में 2 इंच का पट्टी चाहिए। तो डबल राउंड में बनाना है तो हमको 4 इंच का लेना है और आधा रहे दोनों तरफ की सिलाई मार्जिन। तो 5 इंच में निशान। 42 इंच का कमर का चाहिए तो ये एक पट्टी से तो होगा नहीं, तो उसको हम दूसरे पट्टी फिर ज्वाइन करेंगे। तो इसको हम इससे कट कर लेते हैं। ये पट्टी हम इससे कट कर लेंगे। ये पट्टी हम कट कर लिए हैं और स्टिचिंग करते समय इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये 2 पट्टी तो कट हो गई, बचा हुआ जो कपड़ा है उसमें नाड़ा बना देंगे। अब इसको कली को हम देख लेते हैं कि हमारा जो कली है बराबर है कि नहीं, तो स्टिच करते समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये देखिए कि 1 इंच का ये हो रहा है ऊपर नीचे। तो इसको हम सही कर लेंगे। ये तो ये स्टिच करते समय छोटा था, इसको काट के सही कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड को भी कर, अब इसको भी तो सही कर लेंगे। तो इसकी कटिंग तो हो गई है, अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग का क्या करते समय एक सीधी पट्टी और एक तिरछी पट्टी होगी।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल में पहली बार है ना चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।